हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक रूम्स। और आज हम फ्लैश करने वाले हैं रेडमी 7A को। तो पावर टूल से इसको फ्लैश करेंगे, किस तरीके से फ्लैश करना है सारा कुछ आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगा। फ्लैश फाइल मैंने पहले से डाउनलोड करके रख लिया हूँ और एक्सट्रैक्ट भी कर लिया हूँ। इस तरीके की कुछ फ्लैश फाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसको मैंने यहाँ एक्सट्रैक्ट कर लिया हूँ। पावर टूल सिंपल ओपन करेंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पे जाना है क्वालकॉम पे। यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा ऐड प्रोग्राम का। ऐड प्रोग्राम पे आप लोगों को क्लिक करना है, और जैसे आप ऐड प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो फ्लैश फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब जहाँ पे भी आपकी फ्लैश फाइल रखी हुई है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा फ्लैश फाइल का फोल्डर, इमेज वाला जो फोल्डर है, इस पर डबल क्लिक कर देना है तो आपका जो प्रोग्राम है ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ऐड पैच पे क्लिक करना है। तो ऐड पैच पे जो फर्स्ट वाला है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर से पैच 0 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये हमारी फाइल जो है लोड हो चुकी है। अब सिंपल आप लोग क्या करना है, फ़ोन को ऑफ करना है और EDL पॉइंट्स कनेक्ट करना है। यहाँ पे देखो वेटिंग फॉर होम पोर्ट आएगा, तो यहाँ पे मैं EDL दिखा देता हूँ आप लोगों को। विदाउट बैटरी आप लोगों को ये दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट करना है और USB लगाना है, तब आपका जो क्वालकॉम पोर्ट है आ जाएगा। और कोई भी अगर फ्लैशिंग ऑनलाइन वर्क करवाना है, ट्रेनिंग लेना है, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स हैं, विदाउट बैटरी दोनों को शॉर्ट करना और USB लगा देना, वेलकम पोर्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर देना। जैसे आप फ़ोन कनेक्ट करोगे तो आपको जो फ्लैशिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना फ़ोन से कनेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे पोर्ट आ जाएगा हमारा। जैसे ही फ़ोन कनेक्ट होगा देख सकते हो वेलकम पोर्ट आ चुका है। अब सिंपल यहाँ पे टूल पे मैं स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा। फिर से मेरे को टाइम लगे था काफ़ी, इसलिए प्रोसेस फिर से राइट पे क्लिक करेंगे और वेलकम पोर्ट तो आ ही गया है हमारा, तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा उसको। कुछ सेकंड वेट करेंगे और देख सकते हो प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। लगभग 5 मिनट आप लोगों को लग जाएगा फ़ोन को कंप्लीट फ्लैश होने में। और फ्लैश होने के बाद आप लोगों को अपना फ़ोन निकाल लेना है और ऑन कर लेना है। ऑन करने में 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, उसके बाद आपका फ़ोन जो है कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम रही होगी आपके फ़ोन में, हैंग ऑन लोगों या फिर कोई भी और दिक्कत, वो सारी ठीक हो जाएगी। तो मैं वीडियो को फास्ट कर दूंगा। यहाँ से जो फ्लैशिंग की प्रोसेस चलेगी, यहाँ पे यस करेंगे हम। सिक्योरिटी बैकअप ले लेना चाहिए, वैसे ज़रूरत नहीं है, पर यस मैं इसको कर देता हूँ। तो ये जो फ़ोन की सिक्योरिटी फाइल्स है उनको भी रीड कर लेगा, इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, पर आप चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्लैशिंग चालू हो गई है, वीडियो को मैं फास्ट कर दूंगा यहाँ से। तो वीडियो को मैंने थोड़ा सा कट कर दिया हूँ, और फ्लैशिंग यहाँ पे इस तरीके से होगी। 5 से 6 मिनट यहाँ पे लग जाएगा। तो ये लास्ट है लगभग हमारी प्रोसेस, और यहाँ पे देखना ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, उसके बाद आपका फोन जो है ये लास्ट। और यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे रिबूट करने बोलेगा, रिबूट पे आप लोग क्लिक कर देना है। उसके बाद फ़ोन में बैटरी लगाना है और फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, नहीं होता है तो बटन दबा के ऑन कर लेना है। 5 से 10 मिनट खुलने में लगेगा, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये था मैंने आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।